यहाँ पर है। वाओ बिल्कुल साइड ले भाई, अगर बेस बने ना तो इनका पर हेलो दोस्तों, हम लोग आए थे इधर जमीन देखने। देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही स्वीट स्वीट बफेलोस। वाओ शाइनिंग शाइनिंग बफेलोस, काला काला बफेलोस देख सकते हैं। ये पहाड़ है इधर भाई, ऐसा जगह में आ गए कि ब्लॉगर बन गया। देख लिया मेरे को शर्म आ रहा है। वाओ हाय छोटू, हाय जोहर सनाम को। इसमें मैं करिल देख रहा हूँ, देखता हूँ मिलता है कि नहीं। इसमें नहीं दिख रहा है इस पेड़ के, इसमें भी नहीं है। और ये देखते हैं इस वाला पेड़ में, बांस तो बहुत काटा हुआ है लेकिन नहीं है इसमें। देखिए ये वाला, देख सकते हैं ये वाला बड़ा हो गया। हाँ देख सकते हैं ये वाला मिल गया। और एक देखिए यहाँ पर है, तो चलिए इसको निकालते हैं। आज हम लोग कारी लेके आए हैं, गए थे जगह घूमने, जगह देखने खरीदेंगे बोल के इतना दूर ले गया देखने के लिए। तो उधर ना कोई गांव घर ना कुछ है, मिल गया हमको बांस। एरिया देखने गए थे, बांस मिल गया, बांस लेके आ गए। आदिवासी कहाँ रह, रांची में रह चाहे टोडांग में चाहे विशाखापट्टनम में, आप पर खाना पीना तो खोजिए ले वाय। खुकड़ियों खोज तला पातला जी नहीं मिलता ले। एक दो तीन, तीन को लाए हैं। अकेले है किसी का हिस्सा है इसमें? इसमें मेरा है, हम ही तोड़े थे पहले। इलिया तोड़ा था, ले गया था। इसका छिलका निकालते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को कितना सा हुआ है उसको। बड़े आराम से निकालना पड़ता है। ठीक से कीजिए, आप तो खराब कर रहे हैं। उधर थोड़ी रखा है, ये मम्मी थोड़ा हैंड रोल मम लोग को दे देंगे। बनाने के लिए इसको हटाना पड़ता है, ये आँख है, इसको हटाएंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, ये हो गया, इसको पानी डाल के इसको थोड़ा बॉईल करेंगे ताकि इसका जो कसैलापन है वो चला जाएगा। हम लोग बॉईल करेंगे, बॉईल हो गया, ये वाला हम लोग का संधना रहेगा। तो जोहार नमस्कार, आज ब्लॉग का होस्ट हम हैं। आज हम एक जगह घूमने गए थे, मतलब जगह देखने गए थे,
कैसा है और कितना दूर है घर के। उसी प्लानिंग गए थे तो जगह तो पसंद नहीं आया, बहुत दूर है शहर से और कंपनी से भी। हाँ, बाबू भी रोता है। हाँ सुना है देखो, इसको हम लोग ऐसा काटे करेंगे। चाकू कहाँ बताओ, चाकू कहाँ? ये कच्चा नहीं खाना, पहले काटू खट्टू करना है, इसको कट कट करना है, फिर इसको बॉईल करना है, फिर पकाना है, फिर खाना है। कैसे अच्छा नहीं चाहिए, और गिर गया जा, हीरी चला गया। उसी जमीन देखने के क्रम में, जगह देखने के क्रम में बांस बांस का झुंड दिखा, झुंड दिखा तो चल गए घूमने के लिए, शायद मिल जाए करके। ऐसे घूमते घूमते दिख गया दो तीन पीस, अगर कोई मालिक भी नहीं है उसका, तो उसी हाथ हम लोग उसको निकाल लिए। निकालने से आज का तरकारी का जुगाड़ हो गया इस तरह से। अभी हम लोग इसको काट लिए हैं, बॉईल करेंगे, फिर फ्राई करेंगे। अगर आप लोग जानते होंगे कि करी कैसा होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको करील बोलते हैं, और जो उसका रह जाता है उसको सांधना बोलते हैं। मुंगा साग इसको बनाएंगे हम लोग। मुंगा साग बोलने से ये ड्रमस्टिक का है ना, उसका पत्ता है। ये सब्जी बनाएंगे, ये हो गया कंप्लीट। इतना सब होगा, साग हो जाएगा मिक्स करने के लिए। इसको अब धोते हैं एक बार, फिर इसको काटेंगे। पानी थोड़ा सा गरने देंगे, कम होने देंगे इसको गरने। अरे नहीं तो नहीं बना पाई ना। वाओ, बिल्कुल गोल्डन कलर। ये हो गया फाइनल कंप्लीट हम लोग का सब्जी। हम लोग का सब्जी बन गया, कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना टेस्टी लगेगा। ये हो गया गैस बंद, गैस बंद। साइड ले भाई, अगर गैस बंद है तो हम खा पा। अच्छा है, अच्छा लगा। हम लोग इधर का बांस पहली बार खा रहे हैं, इसीलिए पहले टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके बच्चे लोग को देंगे खाने के लिए। पहले हम चख लेते हैं, क्योंकि घर तरफ तो हम लोग खाते हैं, इधर का बांस हम लोग फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। विशाखापट्टनम में तो नहीं पता कहाँ कहाँ मिलता है, आज गए तब पिंदुरती तो वहाँ मिला।